गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। तो आज हम लोग कन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड कर दी थी, ठीक है? आज हम लोग कन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूं वो है कन्फॉर्मर्स। कन्फॉर्मर्स बेसिकली क्या है? कन्फॉर्मर्स आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नॉन आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल नहीं है। और ये कैसे बनते हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन की वजह से ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कार्बन कार्बन या सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन की वजह से ये स्ट्रक्चर बनते हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वजह से या सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड की वजह से ये स्ट्रक्चर बनेंगे आपके। नेक्स्ट थिंग, इसको दिखाएंगे कैसे? तो इसमें एक टॉपिक डालेंगे हम लोग, प्रोजेक्शंस फॉर sp3 कार्बन। sp3 कार्बन को रिप्रेजेंट करने के कितने वेज हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। पहला जो है वो न्यूमैन प्रोजेक्शन है। फर्स्ट वन इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। देखिए क्या होता है, कैसे होता है। ये आपका, मैंने एक मॉलिक्यूल उठाया कार्बन कार्बन का, दिखाई दे रहा है? मैं इसको एक बार कुछ देर के लिए स्टॉप शेयर कर रहा हूं। ये मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, सबको दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। इस मॉलिक्यूल को क्या इस तरह से दिखा सकते हैं? कैमरा फ्रंट में, यस, ऐसे दिखा सकते हैं क्या? यस। है ना, आपको सिर्फ तीन एटम, सॉरी चार एटम आपको दिखाई दे रहे होंगे, फ्रंट वाला कार्बन और ये तीन बॉन्ड्स, है ना? पीछे वाले सारे गायब हो गए, ऐसा है क्या? पीछे वाले यस सारे गायब सर। हो गए होंगे। देखिए, यस सर। ऑन पेपर इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? थोड़ा सा मैं ऊपर खिसका रहा हूं, जूम आउट कर दूंगा जब जरूरत पड़ेगी वापस से। तो ऑन पेपर बेसिकली आपके पास क्या है? CH3 CH3 एक मॉलिक्यूल में ले रहा हूं, इसको मुझे ऑन पेपर दिखाना है, तो कैसे दिखाऊंगा? पहले मैं लूंगा सर्कल। ये सर्कल बेसिकली आपका कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंटेशन में बाद में लिख दूंगा। इसमें एक मिडल पॉइंट होगा, मिडल पॉइंट से नीचे की तरफ एक हाइड्रोजन आप दे सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहां पर और एक हाइड्रोजन यहां पर। तीन हाइड्रोजन आपके यहां पर मैंने दिखाए, और बाकी तीन हाइड्रोजन आप यहां पर दिखा सकते हैं। हाइड्रोजन
ये क्या किया, किसी कुछ समझ आया? देखिए, फ्रंट वाले से हम लोगों ने बैक वाले तीनों हाइड्रोजन हाइड कर दिए। यहां पर करेंगे क्या, ये वाला जो है ये फ्रंट कार्बन रहेगा आपका, और ये वाला जो बड़ा सर्कल है ये बैक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बड़ा अजीब चीज है, पहली बार देख रहे हो तो ध्यान रखना। चलिए, इतनी बात समझ आई? अब कुछ ना कुछ लोग तो गायब रह ही रहे लगातार। सर पर आप ऊपर में जो डेफिनेशन लिखा था उसको दिखा देंगे। एक मिनट, ठीक है, एक बार मैं यस आयुष को एक बार बोल देता हूँ। ओके सर। हेलो, ओके, आयुष आयुष भी अंश चलिए, ये नोटेशन आपने बना ली। ये नोटेशन आपने बना लिया क्या? चलिए,
इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। एक और फॉर्म होती है जिसे स्टैगर्ड बोला जाता है, वो कैसे दिखाई देती है? इसे बोलते हैं स्टैगर्ड। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड? कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी? स्टैगर्ड सर। स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, रीजन क्या है? सर जैसे उसमें इक्लिप्स में जैसे हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, तो शायद वो रिपल्शन लगाएगा। इक्लिप्स फॉर्म में एक दूसरे को हाइड करते हैं, रिपल्शन लगेगा। स्टैगर्ड में कोई रिपल्शन नहीं है। स्टैगर्ड में आपका कोई रिपल्शन नहीं है। एक और फॉर्म होती है जिसे कम यूज किया जाता है, जिसका नाम होता है स्क्यू। इक्लिप्स में जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये होगा 60 डिग्री का, और इस एंगल का नाम क्या होता है? डाईहाइड्रल एंगल। इस एंगल का नाम क्या होता है? डाईहाइड्रल एंगल। रीजन क्या है ऐसे नाम की वजह से? ये देखो, आगे और पीछे वाले कार्बन के बीच में, हाँ एक मिनट देना स्पॉटलाइट। ये देखिए, ये आगे और पीछे वाले कार्बन बीच में जो एंगल बनेगा, इसे डाईहाइड्रल एंगल कहा जाता है। डाईहाइड्रल इस वजह से क्योंकि दोनों अलग अलग कार्बन से कनेक्टेड है। ये जो एंगल है इन दोनों के बीच का, उसे डाईहाइड्रल एंगल बोलते हैं। सो स्टैगर्ड में जो डाईहाइड्रल एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा, जबकि इक्लिप्स में वो एंगल 0 डिग्री का होगा। अगर 0 से 60 के बीच में कुछ आता है तो उसे क्या बोलेंगे? स्क्यू कन्फॉर्मर। स्क्यू कन्फॉर्मर कहाँ आएगा? स्क्यू कन्फॉर्मर होगा, और इसमें क्या होगा? डाईहाइड्रल एंगल should be in the range zero to 60 degrees. इस रेंज में डाईहाइड्रल एंगल आएगा, स्क्यू कन्फॉर्मर उसको बोलेंगे। ठीक है, ये पूरा नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो बेटर लगे वैसे कर लो। सर हाँ जी सर, एक बार ये स्टैगर्ड इक्लिप्स, ये स्टैगर्ड वाला फॉर्म कैसा है वो एक बार समझा देंगे क्या? देखो श्रेया, ये सामने दिखाई दे रहा है? इक्लिप्स किसे बोलेंगे? मैं कैमरा फ्रंट में लेकर आता हूँ। इक्लिप्स मतलब ओवरलैप कर रहा है तो दिखेगा नहीं। हाँ, स्टैगर्ड में क्या होगा? फ्रंट वाला पकड़ो या बैक वाला, कोई भी एक पकड़ो, 60 का एंगल ले आओ, ये स्टैगर्ड कन्फॉर्मर होगा। दिख रहा है? तो सर वो स्टेबिलिटी कैसे हम डिटरमाइन कर रहे हैं? देखो, अगर एक दूसरे के पास पास है तो रिपल्शन लगेगा। हाँ हाँ, तो जब इक्लिप्स कंफर्मर होगा तो एक दूसरे को हाइड कर रहे हैं, मतलब पास है दोनों, यहाँ पे डिस्टेंस नजदीक होगी, हाँ, रिपल्शन हाँ, लगेगा। लेकिन अगर स्टैगर्ड में है तो रिपल्शन कम हो जाएगा। समझा सर। स्क्यू का मतलब क्या होगा? किसी भी एंगल पे, रैंडम एंगल, 0-60 के बीच में आया, समझ में? और अगर 60 से एक्सटेंड किया तो फिर? 60 से एक्सटेंड किया तो उस तरफ 50-60 चल जाएगा। श्रेया देखो, दो एटम्स के बीच के एंगल को डाईहाइड्रल एंगल कहते हैं। अब नया एटम आ जाएगा तो फिर से इनका 0 से 60 शुरू हो जाएगा। समझा।
बाकी लोग बताइए, कुछ डाउट तो आए होंगे। प्रणव, कुछ समझ आया या नहीं, क्या चल रहा है? यस सर, आ गया। पक्का पूछूंगा, देख लेना। यस सर, यस सर, टेस्ट क्लास के जस्ट बाद। सर हाँ, चलता रहेगा टेलीग्राम पे जैसे चलता है वैसे ही, कितने जब तुम कहो। ओके देखो मैंने क्या किया है ना, टेलीग्राम पे दो और क्विज रेडी कर दिए हैं, तो वो रन हो जाएंगी जैसे ही आपका क्लास ओवर होगा, तो आप जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी करना चाहो, तुम्हारा फायदा क्या, साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन वो इन चैप्टर से नहीं है इस बार। आज वाला क्विज जो है, क्योंकि अपने पास ज्यादा सिलेबस नहीं हुआ था कन्फर्मेशनल से, मुझे आइडिया नहीं था कितना करा पाऊंगा, तो इस वजह से मैंने आज जो क्विज दिया है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे दिया है। आज वाला जो क्विज है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से रहेगा, पीछे वाला आपका रिवीजन होता रहेगा, कुछ लोग जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा चीजें। ठीक है। हाँ श्रेया, क्या सेकंड दिक्कत है बताओ? है मुझे होगा। श्रेया, एज आई हैव टेस्ट टुमारो पीई। श्रेया आप अटेम्प्ट मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो डेली चलेगा, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, आप जिस दिन चाहे तो स्किप कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास आंसर्स ना आए और हम कभी भी सॉल्व करके भेज दें। नहीं ऐसा नहीं है श्रेया, इसमें तो मतलब लाइव चलता ओके सर, है ना, ऑनलाइन है, कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है, तो इसमें ओपन कर रखा है सबके लिए। वो वाला जो पोर्टल मैंने बाई किया था ना, जो अपना मैं मेगा एग्जाम्स वाला, उसके लिए कल मेरे पास मेल आई हुई थी कि मेगा एग्जाम्स हम लोग क्लोज कर रहे हैं, सो मैंने जितना इन्वेस्ट किया था सब डूब गया है टाइप ऑफ। पता नहीं क्या किया है, लेकिन उन लोगों ने पोर्टल शायद क्लोज कर रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ कह रहे थे कि शायद शिफ्ट भी कर दें किसी दूसरे पोर्टल पर, लेकिन मुश्किल है, मुश्किल लग रहा है वो सिस्टम। ठीक है। फिर एक काम करिएगा, वो जो पीरियोडिक का क्विज होगा ना हाँ, कल, आप मतलब या मैं तुम्हें अराउंड, पर्सनली भेज सकता हूँ। हाँ वो पर्सनली वही कह दी कि आप मेरे को पर्सनल प्राइवेट चैट पे कर देंगे, तो फिर मैं अपने से स्टार्ट क्विज करके जब मेरा हो जाएगा फ्री तो मैं ठीक आप है, स्टार्ट कर दूंगी, सॉल्व कर दूंगी। हाँ ये कर सकते हैं, पर्सनली मैं शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, यस सर, ठीक है, चलिए। इतना बात आपको समझ में आया, स्क्यू, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स फॉर्म्स, बताइए भाई। यस सर। चलिए, मैं अगर ये वाला आइसोमर, इसको हटा दूं मैं, यस सर। अगर ये कंपाउंड उठाता हूं, CH3, CH2, CH2, CH3, इस कंपाउंड में कितने कंफर्मर बनेंगे? इस कंपाउंड में टोटल कितने कंफर्मर बनेंगे, सोचिए। और कुछ अच्छा जवाब आए तो मुझे बताना। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, शायद तुम्हारा दिमाग खोल दे।
देयर कैन बी इनफाइनाइट टोटल कंफॉर्मर्स फॉर एनी कंपाउंड. ये क्या लाइन लिख दी श्रेया, ये क्या कर दिया बताओ? ये सर अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग कंफर्मर. कौन बोल रहा था अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग कंफर्मर्स? कौन बोल रहा था ये? चलिए देखिए, आपके सामने ये कंपाउंड है, इसमें आप बिल्कुल माइन्यूट सा एंगल से हिलाइए नया कंफॉर्मर, फिर थोड़ा सा एंगल से हिलाइए नया कंफॉर्मर, फिर थोड़ा सा एंगल से हिलाइए नया कंफॉर्मर, मतलब डिग्री में माइन्यूट सा भी, मतलब इस जो डाइहाइड्रल एंगल में है इसमें डिग्री के छोटे से छोटे पार्ट में भी चेंज आ रहा है, तो नया कंफॉर्मर रेडी हो जाएगा. बात ठीक है क्या? थोड़ा सा भी चेंज आया डिग्री में तो नया कंफॉर्मर हर बार आता रहेगा, और नया कंफॉर्मर हर बार आता रहेगा तो देयर कैन बी इनफाइनाइट कंफॉर्मर्स? नहीं. ये बात आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होगी शायद जो अभी मैं बोल रहा हूं. प्रणव, प्रणव. यस सर. आरव. यस सर. के बोलता हूँ मैं अर्णव. आरव ठीक है, कंफ्यूज कर रहा था. अर्णव और प्रणव बताओ भाई, इसमें क्या कर रहा हूं मैं? ये इनफाइनाइट कंफॉर्मर्स वाला लफड़ा समझ में आ रहा है या नहीं? सर रोटेट कर रहे सर. रोटेट करने से क्या होता है प्रणव? हर बार एक नया स्ट्रक्चर आ जाएगा जब मैं थोड़े से भी किसी भी एंगल के डिग्री से ये छोटे से छोटे एंगल से भी मैं चेंज करता हूं, रोटेट करता हूं, तो नया कंफॉर्मर रेडी हो जाएगा. यस सर. और ऐसे इनफाइनाइट कंफॉर्मर्स हो सकते हैं क्योंकि डिग्री में छोटे से छोटे चेंज कितने हो सकते हैं? देयर कैन बी इनफाइनाइट चेंजेस फ्रॉम 0 टू. यस सर. यस सर. यस सर. सो इस वजह से क्या बोलेंगे? देयर कैन बी इनफाइनाइट कंफॉर्मर्स फॉर एनी सब एनी कंपाउंड, राइट? यस सर. आरव, सॉरी अर्णव. अच्छा समझ में आ गया. रिकॉर्डिंग आ गया. हां सर. आर्यन, आर्यन. Yes, क्या हाल है? कल तो एब्सेंट चल रहे थे. नहीं. Yes, sir. कल क्यों एब्सेंट थे? कहाँ गए थे? गया. क्या? बाहर गया. बाहर ही गया तो सर. बाहर गए हुए थे? हाँ. कहाँ पर? अपनी बुआ के. बुआ के यहाँ गए थे क्या? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है. तो मुझे इसके कंफॉर्मर्स की बात करनी थी. मैं डिफरेंट डिफरेंट कंफॉर्मर बनाना शुरू करता हूँ, आप देखिए मेरे साथ. पहला कंफॉर्मर ये दिखाई दे रहा आपको? इसको बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड. अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ये फुल्ली क्यों बोला? इक्लिप्स तो ठीक था, ये फुल्ली इक्लिप्स्ड क्यों बोलने लगे एकदम से? आर्यन सही कह रहा हूं ना? हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए कि सर ये फुल इक्लिप्स क्यों बोला, इक्लिप्स क्यों नहीं बोल दिया? यहां से अगला आइसोमर कैसा, सॉरी अगला कंफॉर्मर कैसा बनेगा?
इसका नाम क्या होगा? गोच। और इसको दूसरा नाम होता है पार्शियली स्टैगर्ड। इससे अगला कंफॉर्मर सर, जीरो से सिक्सटी डिग्री बीच में कोई भी एंगल हो तो स्टैगर्ड होगा? नहीं, जीरो से सिक्सटी के बीच का कोई भी एंगल हो एक्सेप्ट सिक्सटी, तो आप क्या बोलेंगे? स्क्यू। सिक्सटी पे, 120 पे, ऐसे एंगल्स पे तो इशू है। सिक्सटी पे, 120 पे और कौन से एंगल पे? सॉरी, 60 पे, 180 पे और फिर अगेन ये कितना चला जाए, 270 शायद, 270 पे, तीन एंगल पे, या नहीं ये 300 पे, सॉरी 300, 60, 180 और 1, हाँ 300, हाँ ठीक है। मैं एक एक करके बनाता जाता हूँ, देखते जाइए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। जस्ट एक बार इसको देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। इसका नाम होता है एंटी। देखिए ये जितने आइसोमर आपको लिख रहा हूं इनके तो नाम मैं बता दे रहा हूं, इसके अलावा जो भी बच गए वो सारे स्क्यू आइसोमर्स हैं। SKEW स्क्यू आइसोमर्स, स्टैगर्ड नहीं बोलेंगे सबको, सबको बोलेंगे स्क्यू। इसको एंटी को फुल्ली स्टैगर्ड भी बोलते हैं। एंटी क्या बोलते हैं? एंटी को आप फुल्ली स्टैगर्ड भी बोलेंगे। और साथ में एक लास्ट मैं बता देता हूं, इसका नाम होगा पार्शियली इक्लिप्स्ड। पार्शियली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड, गोच, फिर आपका क्या फुल्ली स्टैगर्ड और एंटी, और लास्ट में क्या पार्शियली इक्लिप्स्ड। बहुत सारे कंफॉर्मर मैंने बता दिए आपको, तो मैं जूम आउट कर रहा हूं, आप देखिए। मैंने जूम आउट कर दिया है, आप इसको एक बार लिख लीजिए जल्दी से, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, कुछ भी डाउट है इस पार्ट में तो पूछ लीजिए। बताइए भाई, कोई डाउट है क्या?
जैसे ही कॉपी हो जाए बता देना। कर लिया सर। हो गया, बहुत बढ़िया। सब लोगों का हो गया ना कॉपी? यस सर। ओके, बहुत बेहतरीन। यहां पर इन सब का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा होगा, एंटी शुड बी मोस्ट स्टेबल देन गोच, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड, एंड लास्ट में फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी लिख लेना। अभी मेरे ख्याल से दिख रहा होगा सबको, एंटी शुड बी ग्रेटर देन गोच, शुड बी ग्रेटर देन पार्शियल इक्लिप्स, व्हिच इज ग्रेटर देन फुल इक्लिप्स। हाँ जी, कुछ मैसेज आया है मेरे पास। सर आवाज नहीं आ रही है। कैन एनीवन हियर माय वॉइस? नहीं आयुष, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। आयुष माइक ऑन करो। हाँ अभी यार तुम्हारी आवाज आनी चाहिए, माइक तो ऑन हो गया तुम्हारा, बोलो अब। आयुष कनेक्शन चेक करो माइक का। हेलो आयुष, तुम्हारे माइक में कुछ इशू है। इतना सबका नोट डाउन हो गया तो इसको मैं हटा दूं? यस सर। बहुत बढ़िया। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस कंपाउंड का मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या होगी? कंपाउंड का नाम है इथाइलीन ग्लाइकोल। फॉर्मूला है CH2। इस कंपाउंड का मोस्ट स्टेबल कंफॉर्मर कौन सा होगा?
इस कंपाउंड का मोस्ट स्टेबल कंफॉर्मर कौन सा होगा? सर गोश गोच सर, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बहुत बढ़िया। भावेश का भी गोच आ गया। आयुष, मेरा साउंड आ रहा है आयुष तुम्हें? तुम्हारा साउंड मुझे नहीं आ रहा, तो तुम मैसेज में टाइप कर दो मेरा साउंड आ रहा है क्या। इस कंपाउंड का सबसे स्टेबल फॉर्म मैं बना के दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये गोच कंफॉर्मर है और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन क्या होगा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। चलिए, इथिलीन ग्लाइकोल काफी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल था। इसके बाद देखिए ये वाले मॉलिक्यूल में क्या होगा आपको बताना है। सबसे स्टेबल कंफॉर्मर कौन सा होगा इस मॉलिक्यूल के अंदर बताइए। विकास का जवाब आया, बाकी लोग भी कीजिए। हाँ जी, और किसका जवाब है? एंटी। अर्णव बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारा आंसर। इट शुड बी एंटी कंफॉर्मर, ये एंटी कंफॉर्मर होगा।
अब जो आपके दिमाग में आना चाहिए, सर यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं हो जाती, ये दिमाग में आया क्या किसी के कि सर यहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा देते हैं? ये सोचा था क्या किसी ने ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बहुत रेयर केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अदरवाइज हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में होगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में होगी, हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में होगी, लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम मॉलिक्यूल्स में होती है। उनमें से एक मॉलिक्यूल है ये वाला, यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस मॉलिक्यूल का नाम है क्लोरल हाइड्रेट, याद रखना। ये उन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स में से एक है जहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये नोट डाउन हुआ आपका? तो यहां पर क्लोरीन क्लोरीन के बीच में रिपल्शन मिनिमम करने के लिए इसको एंटी कंफॉर्मर में लाया जाता है स्टेबिलिटी के लिए। मैक्सिमम स्टेबिलिटी किस कंफॉर्मर की होगी? एंटी कंफॉर्मर की। एंटी कंफॉर्मर मोस्ट स्टेबल होगा। हुआ भाई सबका कॉपी हो गया? इतना इतना सबका कॉपी हो गया क्या? यस सर। बहुत बढ़िया। मैं आपको इसके बाद कुछ और दिखाने जा रहा हूँ जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो आप मेरे साथ कोशिश कीजिए, मैं दिखा देता हूँ एक बार। एक मिनट देना जस्ट। मैं इसमें आपको दिखाने जा रहा हूँ कंफर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन।
मीटिंग कंट्रोल स्टॉप शेयर देखिए शेयर स्क्रीन चैट में किसी ने कुछ पूछा ये देखिए अगला है कंफॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कैसे दिखाई देता है पहले ये चीज देखिए। साइक्लोहेक्सेन कुछ ऐसे रहता है दिख रहा है बड़ा अजीब दिख रहा है ये इस फॉर्म में क्या किसी चेयर के जैसा दिख रहा है देखो जो वो बीच पे दिखाते हैं चेयर पे लेटे रहते हैं लोग वैसे कुछ चेयर दिख रही है क्या ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। इसमें सबसे पहली चीज जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो इसका स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर आपको क्या किसी चेयर के जैसा दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। देखो ये चेयर एक दूसरे में आपस में कन्वर्ट हो सकती है जैसे ये चेयर है आपकी ये कन्वर्ट हो जाएगी बोट में। देख कैसे बोट में कन्वर्ट हुई देखो आप इसे देखो ये खिसक के ऊपर चला गया ये बोट कन्फॉर्मर आ गया आपके पास बोट के जैसा दिख रहा है ये स्ट्रक्चर। यस सर। उससे अगला देखो फिर ये रोटेट किया और दूसरी चेयर में कन्वर्ट हो गया ये साइड में मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए दोनों चेयर्स में क्या फर्क है ये चेयर कुछ स्टाइल की थी ये चेयर कुछ स्टाइल की है उल्टा कर दिया है हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दिया है। लूप एनिमेशन में ट्राई करता हूँ ये देखिए तो इसमें क्या हुआ है एक चेयर दूसरी चेयर फॉर्म में इंटर कन्वर्ट हो सकती है। और देखिए चेयर फॉर्म की खास बात क्या है इसमें एक एटम ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है एक एटम नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है हर एक चेयर में देखो सॉरी हर एक कार्बन पर जो एटम्स हैं एक ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है एक नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है देखो नहीं समझ में आया ये देखिए कैसे ऊपर और नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं जूम हटाता हूं चलिए अगर इतनी बात आपकी हो गई है ये एक चीज और देख लो ये कैसे रहता है देखो दिख रहा है
चलिए वापस आते हैं। सो आपको साइक्लोहेक्सीन कैसा दिखाई देगा वो मैं आपको वापस दिखाता हूं। देखिए साइक्लोहेक्सीन आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। थोड़ा मेरा राइटिंग खराब है। अरे बैक वाला बटन काम नहीं कर रहा। मैं एक बार इसको एंड करता हूँ, एक मिनट। जस्ट माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड ओके शेयर स्क्रीन एंड माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड। हाँ देखिए सॉरी मेरे इसमें कुछ इश्यू आ रहा है। एक मिनट देना, बैक का बटन काम नहीं कर रहा। डिफॉल्ट ओके अभी ट्राई कर, अभी भी नहीं कर रहा। सॉरी चलिए कोई बात नहीं, मैं कोशिश तो करता हूँ, थोड़ा बिना इसको होगा नहीं। एक मिनट देना, जस्ट माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड। बड़ा ही इशू आ गया, बस काम कर जाता है यूजुअली। हाँ अब तो कर रहा है, ठीक है यहां से दे देता हूँ। इसमें एक बॉन्ड आपको ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करेगा और एक बॉन्ड ऐसे आएगा। दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, जो कि sp3 का एंगल होता है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी एक बॉन्ड नीचे की तरफ पॉइंट आउट करेगा और एक बॉन्ड इस तरफ आएगा। इसमें भी और इसमें भी सब जगह एक हाइड्रोजन इधर ऊपर की तरफ और एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ पॉइंट आउट करेगा। और जो आपका स्ट्रेट हाइड्रोजन है वो एक ऊपर तरफ एक नीचे की तरफ एक ऊपर तरफ एक नीचे की तरफ अल्टरनेट चलेगा। यहां पर आपका जो स्ट्रेट 90 वाला एंगल जहां पर दिखाई दे रहा है उसमें एक बॉन्ड ऊपर की तरफ जा रहा है एक बॉन्ड नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलता रहेगा।
ये चीज दिखाई दे रही है आपको? बताइए भाई। कुछ ज्यादा ही टिप टफ हो गया। अर्नव कुछ हवा लग रही है या फिर बिल्कुल ऊपर से जा रहा है? नहीं सर, आ रहा है। आ रहा है। प्रणव प्रणव ऊपर से तो नहीं जा रहा है, सीधा हवाई जहाज तो नहीं बन रहा है, एरोप्लेन बन जा रहा हूँ? नहीं सर, कुछ कुछ आ रहा है, हल्का फुल्का। हाँ यस सर, है ना, पूरा नहीं आ रहा है पर थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, ज्यादा तो नहीं। यस यस, देखो मैं इसमें एक और चीज आपको दिखाता हूँ, थोड़ा थोड़ा कोशिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा और समझ आए। प्रणव ये जो ऊपर और नीचे जो बॉन्ड है ना, ये वाले बॉन्ड्स, इन सबको हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। ये जो दिखाए हैं सारे बॉन्ड क्या कहलाते हैं? एक्सियल। एक्सिस क्या लोगे, इस वजह से नाम क्या पड़ जाएगा? एक्सियल बॉन्ड्स। ये बोन्स एक्सिस के अलोंग हैं, इस वजह से इनका नाम एक्सियल बोन्स है। जो ये वाले बोन्स हैं, इनका नाम पड़ता है इक्विटोरियल बोन्स। एक्सियल और इक्विटोरियल बोन्स समझ में आए या नहीं? क्या हुआ? बीच वाले स्ट्रक्चर मैंने एक्सियल इक्विटोरियल दोनों दिखा रखे हैं, दो और स्ट्रक्चर बनाए हैं, इनको स्प्लिट कर दिया, एक्सियल अलग दिखा दिए, इक्विटोरियल अलग दिखा दिए, बीच वाले में सब कुछ मिक्स हो जाता है, इस वजह से मैंने नहीं दिखाया, दोनों को अलग अलग कर दिया, एक्सियल और इक्विटोरियल को सेपरेट कर दिया यहां पर। ठीक है क्या? बताइए भाई। यस सर। प्रणव आ गया ये बात समझ में? तो बस इतना नोट डाउन कर लो प्रणव, आज का बस इतना करो, एक्सियल इक्विटोरियल नोट डाउन कर लो, कल की क्लास में इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन के साथ ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आज बस इतना नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर कल हम लोग वापस मिलते हैं और कल इसको कोशिश करेंगे कि फिनिश कर देंगे। जैसे ही नोट डाउन हो जाए बता देना। जैसे ही नोट डाउन हो जाए एक बार बता दीजिएगा। हो गया, हो गया। चलिए गुड नाइट एवरीवन। यस बाय सर, गुड नाइट। किसी को कोई मैसेज आया हुआ था? हाँ आयुष बोलो।
हाँ आयुष, आजकल हम लोग जल्दी खत्म कर देते हैं क्योंकि बच्चे बहुत कमा रहे हैं और सिलेबस ज्यादा खिंचवाने से बड़ा नुकसान हो जाएगा।